हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इंग्लिश सेक्शन में प्रोनाउन के बारे में, हमने पढ़ा था प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन। हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद से हमने डिस्कस किया था पर्सनल प्रोनाउन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो आज के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का अगला पार्ट्स, और प्रोनाउन्स के अगला पार्ट मीन्स उसके नेक्स्ट टाइप्स की ओर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स है प्रोनाउन्स टॉपिक्स में, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स। पिछले वीडियो में हमने पहला पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ लिया था अच्छे से। आज का हमारा जो सेकेंड टॉपिक है ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां तक देखा जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बना होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन से। जब किसी भी पर्सनल प्रोनाउन के अंत में अगर हम लोग सेल्फ और सेल्फ जोड़ दें, जैसे कि हिम है, और इसमें अगर आप सेल्फ जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका हिम सेल्फ। ऐसे ही हर सेल्फ बनता है, माई सेल्फ बनता है, ऐसे ही आपका इट सेल्फ बनता है। एक्चुअली में बस ये याद रखना है कि जो सिंगुलर होते हैं, जैसे हिम सिंगुलर के लिए यूज होता है तो हम इसमें सेल्फ जोड़ते हैं, लेकिन अगर जो प्लुरल्स रहता है जैसे कि देम है, तो इनमें हम ACLV सेल्फ जोड़ते हैं। आवर भी प्लुरल्स है तो इसमें भी हम लोग आवर सेल्फ जोड़ते हैं। चूंकि यू सिंगुलर भी होता है इसलिए हम लोग इसमें योर सेल्फ भी हमारा सही है और योर सेल्फ्स भी हमारा सही है। ये जितने सारे आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राइट, अब हम डिस्कस करें कि इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहां होता है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका हम यूज कहां करते हैं। अभी तो हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना किससे होता है। एक्चुअली में ही, हर, माई, इट, देम, आवर्स, योर, ये है पर्सनल प्रोनाउन, और उसमें हमने दो वर्ड जोड़े हैं सेल्फ और सेल्फ। जो सिंगुलर है उसमें हम सेल्फ जोड़े हैं और जो प्लुरल्स है उसमें हमने सेल्फ जोड़ा है। तो दिस वन इज कॉल्ड सिंगुलर्स एंड दिस वन इज कॉल्ड प्लुरल्स। तो सबको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम अगर बात करें कि इनका यूज कहां होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किस लिए होता है, तो इसका सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है आपका टू शो अ सब्जेक्ट डज समथिंग इटसेल्फ। जब भी यह दर्शाना हो सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट है, अगर वो उसे यह बताना है कि कोई वह अपना काम स्वयं कर रहा है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करके। जैसे कि मेरी माँ खाना स्वयं बनाती है, और जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है यहाँ पे माय मदर स्वयं खाना बनाते हैं। ठीक, तो यहां पे यू कैन सी ये जो हर्षल है यह बता रहा है कि माई सेल्फ, यहाँ पे जो माई मदर है ये कोई काम अपने आप कर रही है।
दूसरा जो इसके यूज होता है वो होता है आपका टू मेक अ सब्जेक्ट डज समथिंग टू मेक अ सब्जेक्ट एक्चुअली डज समथिंग हमने लिख लिया है मोर इम्पैथिक मोर इम्पैथिक का मतलब होता है जोरदार बना किसी भी सब्जेक्ट को प्राउडी बता जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ आई टीच इंग्लिश ये बोलूँ मैं ही अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के पास आता है आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स के दो यूजेज होते हैं टू शो अ सब्जेक्ट डज समथिंग और दूसरा टू मेक अ सब्जेक्ट मोर इम्पैथिक ओके ओके ये बात की हम लोगों ने इसके यूजेज के बारे में अब हम बात करेंगे एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे आइए हम रूल्स के बारे में डिस्कस करें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ें इसमें सबसे पहला जो हमारा रूल्स होता है हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के और हम बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो दिस वन इज द फर्स्ट आप कभी भी नेवर डोंट राइट डोंट यूज reflexive pronoun as subject to verb कभी भी reflexive pronoun का प्रयोग verb के subject की तरह नहीं करते हैं जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक example दूं यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे दिनेश and myself live together Dinesh and myself live together तो मैंने ऊपर लिखा है कि जो भी reflexive pronoun होता है उसका कभी subject नहीं बनता तो ये गलत है यानी कि इसका अगर right बनाना होगा तो उसका होगा Dinesh and I Live together. इसे हम लोग बोलते हैं कि कभी भी आप जो है reflexive pronoun का प्रयोग subject की तरह नहीं करेंगे इसका जो second और most important use जो होता है आप देखो ये कुछ verb में लिख रहा हूं जैसे कि enjoy, write, exert How well, present, absent, revenge. ये कुछ verb है अगर किसी भी सेंटेंस में ये verb आपको दिखाई दे तो इनके बाद आपको reflexive pronoun लिखना होता है जनरली ये reflexive pronoun अपने बाद लेते हैं यानी कि अगर आपको ऐसा लिख जाए दिख जाए जैसे मैंने कहा यहाँ पे माय यंगर सिस्टर एंजॉय हर्सेल्फ ये वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव करना होता है एंजॉयड हर्सेल्फ इन हर
बर्थडे पार्टी यू मस्ट राइट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दिस फॉलोइंग वर्ड्स दिस वर्ब्स। नेक्स्ट रूल्स के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो ये रूल्स होता है, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पे, जैसे कीप, पुट, ब्रेक, सेट, बात, अगर इस तरह के कुछ वर्ब दिखाई दे तो इनके बाद डॉट यूज रिफ्लेक्सिव। इनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना। क्लियर? जैसे इस एग्जांपल में लिखा मैंने, ही पुट द ग्लास, ही पुट द ग्लास हिमसेल्फ ऑन द टेबल। तो ये रॉन्ग है, हिमसेल्फ यहां पे नहीं आएगा। क्लियर? ये आपके रूल्स हैं। हमने अभी पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कभी भी सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना नेसेसरी होता है, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं भी करते। जो इसका फोर्थ रूल है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा उसको ध्यान से आप देखेंगे। लुक, फोर्थ नंबर, एक्चुअली में एक सब्जेक्ट होता है वर्ब, और हम सब्जेक्ट के को इंडिकेट करने के लिए या उसको इम्पैथिक बनाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, अगर आई है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा, योर है, यू है तो योर सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ हम लिखते हैं बस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट, रिमेम्बर, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वन है तो हमेशा याद रखना इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी वन ही होता है, और इसका जो जेनेटिव फॉर्म होता है ये भी वन ही होता है, और अगर सॉरी वंस होता है, और यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये होता है आपका वन सेल्फ। हमेशा इस बात को आप याद रखोगे। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जैसे वन सूट, डू वंस ड्यूटी, वन सेल्फ। मैंने सबका एक ही साथ यूज कर दिया सब्जेक्ट का। एक्चुअली में यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आपको हिमसेल्फ मिल जाएगा जो कि एरर होता है। कभी भी हिमसेल्फ का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट ही रहेगा तभी हिमसेल्फ होगा। क्लियर? तो ये डिस्कस किए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप्स की ओर बढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं थर्ड नंबर्स का, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद जो थर्ड नंबर का प्रोनाउन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। थर्ड इज कॉल्ड यंग प्रोनाउन जो होता है ये डिनोट करता है आपका ऑनरशिप या पोजीशन, या एक ऐसा प्रोनाउन है जो ऑनरशिप डिनोट करता है या पोजीशन डिनोट करता है।
एक्चुअली में यह भी पर्सनल प्रोनाउन का ही पार्ट होता है। जो हमने जेनेटिव फॉर्म के प्रोनाउंस आपको बताए थे वो सारे, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे माई, माई, आवर, आवर्स, योर, यही जो प्रोनाउंस है ये आपके पॉसेसिव प्रोनाउन है। हिज एक ऐसा है जो दोनों हिज ही रहता है, बाकी सबके दो दो होते हैं, हर, हर्स, देयर और देयर्स। ये जो है सारे प्रोनाउंस है और ये सारे ऑनरशिप या पोजिशन दर्शाते हैं। लेकिन सेंटेंस में जो ये वाले पार्ट्स हैं, जो ये प्रोनाउंस हैं, ये रियल में वो प्रोनाउन का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करते हैं, और प्रोनाउन का काम जो करते हैं यही वाले सिर्फ प्रोनाउंस का काम करते हैं। एडजेक्टिव का काम इसलिए करते हैं कि ये सेंटेंस में कभी भी आएंगे तो अपने साथ एक नाउन के साथ ही आएंगे, और ये नाउन के जगह पे आएगा। हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन जो नाउन के जगह पे आता है। आप अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यहाँ पे कि यू कांट राइट लाइक दैट, जैसे दिस इज माय पेन, तो यहाँ पे माय केवल मैं ये लिख देता दिस इज माय या दिस पेन इज, तब आपको माय के जगह पे माइंड लिखना होगा। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक होता है। ये माइंड जो दिख रहा है यह प्रोनाउन है, और जो माई दिख रहा है ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है, जो कि इस वाले को बोलता जाता है, ये वाला, और ये रियल में प्रोनाउन है। हमेशा याद रखेंगे इनके बाद नाउन नहीं आता है, और इनके बाद नाउन जरूर आता है। सिंगल सेंटेंस में ये नहीं आ सकता, सिर्फ एक हीज जो है जो कॉमन है ये दोनों में सेम रहता है। से दिस बोतल इज हिज या This is his bottles. दोनों में वो his ही रहता है, बाकी सबके अलग अलग forms होते हैं। तो possessive pronoun में ज़्यादा नहीं सीखना है, बस इतना जानना है ये वाले जो है ये pronoun है और ये जो है आपके adjective। ये adjective का काम करते हैं, means noun के साथ आएंगे, और ये जो है pronoun है ये noun के जगह पे आएंगे। Okay? तो हमने पढ़ा तीसरा possessive pronouns। आगे क्यों बढ़ते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक्चुअली में रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स आप जानते हो, बहुत बार यूज करते हो। इसमें दो तरह के प्रोनाउन आते हैं, एक होता है आपका ईच अदर और एक होता है आपका वन अनदर। ये दो तरह के प्रोनाउन्स होते हैं। एग्जाम में जो इससे क्वेश्चंस आता है, पहला की अगर बात करें हम लोग ईच अदर की, तो जो ईच अदर्स होता है ये फॉर टू के लिए यूज किया जाता है, और वन एन अदर जो यूज होता है वो यूज होता है फॉर मोर देन टू के लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे राम एंड रहीम हेल्प ईच अदर, क्योंकि ये दो हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता राम रहीम एंड गीता हेल्प, तब क्या हो जाता वन इन अदर। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसको रिप्लेस करके आ जाता है, ईच अदर की जगह वन इन अदर दे देगा और वन इन अदर की जगह पे ईच अदर दे देगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी सब्जेक्ट दो हो तो उनके लिए आप इच अदर का प्रयोग करेंगे, और दो से ज्यादा चाहे 3, 10, 50 एनीवेयर वहां पे आप लिखेंगे वन अनदर का प्रयोग करेंगे।
तो रेसिप्रोकल से ज्यादा इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट की ओर अगर हम लोग पढ़े, नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउंस होता है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर जो प्रोनाउन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके थ्रू जो प्रोनाउन्स आते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दिच, दोज, सच और वन, राइट। इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, सच एंड वन। ओके, इसका काम क्या है? तो ये यूज होता है, यूज टू पॉइंट आउट नाउ, पॉइंट आउट और नाउ और नाउ इक्विलेंट, नाउन जैसे को दिखाने का काम आता है या सिर्फ नाउन को दिखाने के लिए काम आता है। इस टॉपिक से हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, इसको डीप में पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर दिस और दैट जो है यह सिंगुलर नाउन को दिखाने के लिए काम आएंगे और जो आपका दिस और दोज है ये दिखाने के लिए काम में आएंगे प्लूरल नाउन के। वन कैन बी यूज फॉर सिंगुलर। सच के साथ एक कंडीशन होता है, अगर सच के बाद ए और एम ये आर्टिकल्स लिखे हैं लेकिन इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन तब आपको लिखना होगा। ये चीज आप याद रखिएगा, दिस और दैट के बाद सिंगुलर नाउन के लिए आता है, दिस और दोज प्लूरल नाउन के लिए आता है, सच के बाद ए लिखे तब सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक्स में इतना ही काफ़ी है, इतना ही आपको जानना है। बाकी दिस, दैट, दिस, दोज, सच और वन का और भी बहुत सारे चीज़ों में यूज़ किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होता है, राइट। हम नेक्स्ट की ओर बढ़े, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आप समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समथिंग को भी रख सकते हैं। ऐसे से हम इसको कि इसके दो पार्ट में जाते हैं, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक हो जाता है आपका डिफिनिट और इनडिफिनिट। इसमें ऑल, सम, एनी ये भी प्रोनाउंस है, समवन, एनीबॉडी, समथिंग्स ये भी प्रोनाउन है, ये भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है रियल में यह डिनोट करता है आपका सेपरेशंस। ये क्या डिनोट करता है? सेपरेशंस। इसके अंदर आएगा आपको ईच, एवरी, मैक्सिमम टाइम ईच और एवरी आता है, मेन तो यही होता है, ठीक है, ईच और एवरी आता है। एक आपको बता दे, अगर कोई सेंटेंस का आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे जहाँ पे ईच से सेंटेंस शुरू होता हो या इवरी से शुरू होता हो और यहाँ पे ऑफ हो, तो रिमेम्बर इसके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे आपके पास प्लूरल नाउन रहे या प्रोनाउन रहे, लेकिन जो इसके बाद वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। और अगर बीच में प्रोनाउन लिखना है तो ओनली ही जाएगा। अगर जेंडर क्लियर है इसका तो वहां पे आप हर लिख सकते हैं, बाकी कोई भी प्रोनाउंस का भी यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पे, ईच ऑफ गर्ल्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, इज डूइंग हर प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे हर इसलिए लिखा क्यों मुझे यहाँ पता है गर्ल्स। अगर मैं लिख दिया यहाँ पे एवरी ऑफ देम इज
या मैं लिखा सिंगुलर वर्ब हैज बीन सेलेक्टेड इन एसएससी स्टॉप सिलेक्शन कमीशन, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो कभी भी अगर कभी भी सेंटेंस एग्जाम में आते हैं इससे क्वेश्चंस, कभी भी आपको ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इवन आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है वहाँ पे ऑफ हो तो हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा और इसे भी इसी के लिए काम आता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है जो सेपरेशन निर्भर करता है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं, यह डिनोट करता है सेपरेशन, इससे ये आपको आता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका 8 नंबर होता है।